बनारस में मौजूद एक ऐसा पावरफुल माता का मंदिर जिनके पूजा आराधना से आपकी हर एक इच्छा पूरी हो सकती है। कहा जाता है अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है तो इनके दर्शन मात्र से आप ठीक हो सकते हैं। तो आइए पंडित जी से और विस्तार में इनके बारे में जानते हैं। ये मंदिर स्वयंभू गॉडीज है, पीछे वाला जो विग्रह है वो स्वयंभू गॉडीज है, वो अपने से प्रकट हुई है, स्टोन में अपने से प्रकट हुई है। बाद में हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, त्रिपुर भैरवी का जैसा स्वरूप होता है वैसा स्वरूप बनवा के फिर प्राण प्रतिष्ठा कराई। इनका मैक्सिमम मतलब सभी लोग जो भी है मंत्रों से भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन तंत्र की प्रयोग ज़्यादा इनका होता है, तंत्र के प्रयोग के लिए ही मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। भैरवी साधना, अघोरी, तांत्रिक ये लोग मैक्सिमम करते हैं। इनका ही मेन ये कुल देवी के रूप में, अधिष्ठात्री देवी के रूप में मानी जाती है। बहुत से तांत्रिक लोग इनकी कई तरह से साधना करते हैं, जैसे भैरवी के कई स्वरूप हैं, तो कंकाल भैरवी हैं, पाताल भैरवी हैं, मुंड भैरवी, इस तरह से करके ये दीक्षाएँ होती हैं भैरवी की। तो जो तांत्रिक लोग पूजन करते हैं उनको अघोरियों के संग पूजन करना पड़ता है। मतलब इसका एक स्टेप बाय स्टेप होता है। बहुत पुरानी एक कहानी है जो कि शिव महापुराण में वर्णित है। जब त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, जब उसने तीनों लोगों पे जब अपना शासन कर लिया था, देवताओं को स्वर्ग से भगा करके, पाताल लोग और पृथ्वी लोग सब पे उसका ही शासन था, तो उस समय सभी देवी देवता परेशान होकर के छुपने के लिए काशी में आ गए थे। काशी में जब वो लोग आ गए थे तो काशी में यहीं पे छुप के रहते थे, यहाँ शिव जी के डर से ये त्रिपुरासुर राक्षस यहाँ नहीं आ पाता था। लोग कहते हैं काशी तीनों लोगों से अलग है, शिव के त्रिशूल पे है, तो इसलिए वो तीनों लोग से अलग एक स्थान ढूंढ रहे थे, वो यहाँ आके छुपे हुए थे। शिव जी और पार्वती जी दोनों जने मिल करके त्रिपुरासुर को मारने गए थे, तो उस समय में शिव जी को त्रिपुरेश्वर महादेव, त्रिपुरेश्वर का नाम दिए थे विष्णु जी ने, और पार्वती जी को त्रिपुर भैरवी के स्वरूप में ही पार्वती जी को जाना गया था वहाँ। तो त्रिपुरासुर का वध त्रिपुरेश्वर महादेव और त्रिपुर भैरवी ने मिलके किया था। और कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले त्रिपुर चतुर्दशी आती है, उसी दिन उसका वध हुआ था। उसके नेक्स्ट डे कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन होती है, उस दिन सभी देवी देवता खुशी से काशी में दीप दान किए थे, काशी में दीपक से काशी को सजाया गया था, तो उस वजह से कार्तिक पूर्णिमा महत्वपूर्ण है काशी के लिए। और वही प्रथा कालांतर में अब जाके लोग फिर से काशी में देव दीपावली के रूप में मनाने लग गए, जो कि घाटों में दीपक वगैरह जलाते हैं। हमारे यहाँ त्रिपुर चतुर्दशी पे माँ का श्रृंगार, हमें वार्षिक श्रृंगार होता है, हम लोग त्रिपुर चतुर्दशी मनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे दीपक वगैरह से सजाते हैं, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। ऐसे ही काशी भी इसी उपलक्ष्य में सजाई जाती है। भैरवी माता जो है वो भैरव की वाइफ है जी। एक्चुअली भगवान के शिव जी के स्वरूप के रूप में भैरव आते हैं, और जो सती का स्वरूप है वो भैरवी कहलाती है। तो किसी भी देवता की शक्ति भैरवी से उत्पन्न होती है, बिना शक्ति के शिव भी शव बराबर है। तो किसी भी देवता की शक्ति को जागृत करने के लिए या सिद्धि पाने के लिए पहले भैरवी साधना होती है। जब आप शक्ति को जागृत करेंगे तभी आप किसी देवता की शक्ति ले सकते हैं। मतलब शक्ति मीन्स वो भी गॉडीज ही हैं, तो उनकी शक्ति लेने के लिए भी आपको भैरवी की साधना करनी पड़ेगी। तो बिना भैरवी साधना के कोई भी सिद्धियां नहीं प्राप्त हो सकती जल्दी।